जयपुर से अहम खबर है जहां मोहाना मंडी अतिक्रमण मामला है। खुदरा व्यापारियों का आरोप है कि होमगार्ड ने मारपीट की और छीन लिए मोबाइल। मंडी में माल बेचने आए किसानों के मोबाइल भी छीनने का आरोप है। खुदरा व्यापारियों ने प्रशासक अधिकारी और होमगार्ड टीम पर यह आरोप लगाया। व्यापारियों से समझाइश के लिए मोहाना मंडी में बैठक चल रही है। सूत्रों के अनुसार कल बंद रह सकती है मोहाना मंडी। अहम खबर जहां खुदरा व्यापारियों ने आरोप लगाया है होमगार्ड पर कि होमगार्ड ने मारपीट की और मोबाइल छीने हैं। मंडी में माल बेचना है किसानों के मोबाइल भी छीनने का आरोप लगाया है। मोहाना मंडी अतिक्रमण मामला जहां पर फिलहाल बैठक इस वक्त जारी है। खुदरा व्यापारियों ने प्रशासक अधिकारी और होमगार्ड टीम पर यह आरोप लगाया है। समझाइश के लिए ही मोहाना मंडी में बैठक चल रही है व्यापारियों के साथ। सूत्रों के अनुसार कल मोहाना मंडी बंद रह सकती है। हालांकि वार्ता चल रही है, बैठक का दौर जारी है, समझाइश की कोशिश की जा रही है ताकि मामला पूरी तरह से शांत हो सके, लेकिन संभावना ऐसी जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से जानकारी, कल मोहाना मंडी बंद रह सकती है। खुदरा व्यापारी ने प्रशासक अधिकारी और होमगार्ड पर आरोप लगाया मारपीट का, मोबाइल छीनने का। कहना उनका यह कि होमगार्ड ने मारपीट की और मोबाइल छीने, मंडी में माल बेच रहे किसानों के मोबाइल भी छीनने का आरोप है इन होमगार्ड्स पर। बता दें आपको मोहाना मंडी में अतिक्रमण हटाने गई थी टीम, जिस पर हमला हुआ, पथराव हुआ और उसके बाद जब मामले को सुलझाने के लिए पुलिस भी पहुंची तब व्यापारियों का कहना यह कि होमगार्ड ने यहां पर मारपीट की और किसानों के मोबाइल भी छीने। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बेहद अहम है, अतिक्रमण हटाने गए थे उस दौरान टीम पर पथराव किया गया, लेकिन अब क्योंकि वार्ता का दौर जारी है, बैठक चल रही है, क्या कोई बात बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए अब खुदरा व्यापारियों ने भी खुलकर सामने आए और उनका कहना है कि टीम ने अतिक्रमण हटाने के दौरान लाठीचार्ज किया और जब किसान अपना सामान बेचने आए थे और खुदरा व्यापारी जो सामान बेच रहे थे उनके मोबाइल छीन लिए, उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि इस झड़प में 5-7 होमगार्डों को भी चोट आई है, लेकिन उच्च स्तर पर बैठक चल रही है और बैठक में निर्णय हो सकता है कि कल या परसों मंडी बंद रखी जा सकती है। यह भी सामने आ रहा है कि जिन दो दुकानों को लेकर मामला था, जिन दो दुकानदारों ने ज्यादा विरोध किया या जिनके खिलाफ विरोध किया जा रहा था, उनका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। तो बैठक खत्म होने के बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन कल या परसों मंडी बंद रहेगी ये व्यापारियों ने तय कर लिया है। और व्यापारियों का कहना है कि खुदरा व्यापारियों को भी परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि सारा जो काम है वो किसान मंडियों में लाकर करते हैं और किसानों के साथ इस तरह की वारदात किसान कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के जो मोबाइल छीने गए हैं वो वापस दिलवाए जाए और किसानों की तरफ से और खुदरा व्यापारियों की तरफ से भी हो सकता है कि कुछ होमगार्ड या प्रशासक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बहरहाल बैठक में क्या कुछ निकल के आ गया ये थोड़ी देर में सामने आ जाएगा, लेकिन अगले दो दिन में मंडी बंद रखने के आदेश कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन होमगार्ड्स पर जो ये आरोप लगाया गया कि किसानों के साथ मारपीट गई, उनके मोबाइल छीने गए, इससे लेकर भी क्या कोई जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, खुदरा व्यापारियों का कहना है और किसानों का कहना है कि वो लंबे समय से माल बेच रहे हैं और जो आहाता उनको दे रखा है उसी में बैठकर माल बेच रहे हैं। हालांकि सुबह जब कार्रवाई की गई तो रस्ते में जो खुदरा व्यापारी या किसान माल बेच रहे थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन उनका विरोध है कि इस दौरान भी लाठीचार्ज किया गया और किसानों के और खुदरा व्यापारियों के मोबाइल तक छीन लिए गए। होमगार्डों ने मोबाइल छीने और लाठीचार्ज किया, इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। और जो बैठक में खुदरा व्यापारी भी है, मंडी समिति भी है, कृषि विभाग के आला अधिकारी भी है, जो प्रशासक नियुक्त की गई है वो भी है और होमगार्ड भी है, तो सबकी तरफ से बातचीत सुनी जा रही है। अब कुछ निर्णय निकलेगा उसके बाद ही बताया जा सकता है कि आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। जी चलिए नजर बनाकर रखिए विनोद, आगे भी आपसे इसे लेकर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त बैठक जारी है, बैठक के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर क्या निर्णय लिया गया, लेकिन जिस तरह से संभावना जताई जा रही है कल और परसों मोहाना मंडी बंद रह सकती है।